कराची के फाइन आर्ट गैलरी में मकबूल अहमद की मुनफरिद पेंटिंग की ट्रांसपेरेंट मेलोडीज के उनवान से आठ रोज़ा नुमाइश का आगाज़ कर दिया गया है। नुमाइश में 35 फन पारे रखे गए हैं, जिनमें मुसव्विर ने अपने ख्यालात को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मुसव्विर ने एक तब्दील कैनवस पर ख्यालात मुनक्कस किए हैं। मेरा बुनियादी जो पेंटिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ऐसे लगता है जैसे आप इमेज को या किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं देख रहे, ये किसी जगह से रिफ्लेक्ट होकर आप देख रहे हैं। तो बस वही, उसी वजह से सबड्यूड है, इसमें रिफ्लेक्शंस कैनवस पे खासे महसूस होते हैं। मकबूल अहमद ने अपनी पेंटिंग में रंगों को हसीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की खूबसूरत अक्कासी की है। शायकीन मुसव्विरी ने बड़ी तादाद में फन पारों को सराहा और दिल खोल कर मुसव्विर को दाद दी। फिगरेटिव पे इन्होंने जो जिस तरह से अभी वॉशेज में काम किया वो बहुत ही एक्सेलेंट वर्क है। इनका काम जो है सारा ऑयल पेंटिंग है और उसके अंदर इन्होंने ट्रांसपेरेंसी में सारा काम किया हुआ है, और इनका काम जितना बोल्ड काम है इतना आजकल में कोई बोल्ड काम कर नहीं रहा। इनके काम को देखें तो इंप्रेशनिज्म की तरफ जाता है, और ख़ासकर कुछ पेंटिंग इनके सुरलिज्म की तरफ जाती हैं, जो कि एक शाकार पेंटिंग है। कुछ तो इनकी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। मकबूल अहमद ने ख्यालात का इजहार कैनवस पर एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया और अपने फन पारों से पाकिस्तान में मुसव्विरी के मुस्तकबिल को ताबा किया। अब्दुर्रहमान फारूकी, आज न्यूज़, कराची।